बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहले झुंझुनू की जो बेटी है, चिड़ावा की बेटी है मुक्ता राव, जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में राजस्थान में जो राजस्थानी प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस का जो 2018 का एग्जाम हुआ, दो चरणों में इंटरव्यू हुए और पहली रैंक उन्होंने हासिल किया है। उनकी ही जुबानी उनकी सफलता की कहानी हम जानते हैं। मैम, सबसे पहले जी मीडिया की ओर से आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पहला अटेम्प्ट में भले ही आपको निराशा हाथ लगी हो या सफलता नहीं मिली हो उस ऊंचाई पे, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में आपने पूरे राजस्थान में नंबर वन रैंक हासिल की है। क्या सफलता की आपकी कहानी है? सर, मैंने पहले बार में पहले प्रयास में मिली असफलता से सीखने का कोशिश की और मैंने उन सभी कमियों पे काम किया जिनकी वजह से मुझे सफलता हाथ नहीं लग पाई। दूसरा, मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज़ दी ओनली की टू सक्सेस। हर रोज़ पढ़ें, हर रोज़ अपने टारगेट, छोटे छोटे गोल जो आपने बनाए उनको कवर करेंगे तो सफलता बहुत दूर नहीं है। किन किन परेशानियों की दिक्कत आई? फैमिली को भी समय देना था, फिर पढ़ाई भी थी, और आपने सोच लिया था कि यदि मन में ठान ली जाती है तो कहते हैं कि कितनी भी आपकी विकट राहें कितनी कठिन हो, लेकिन हम वो करके दिखाते हैं। सब परेशानियां तो ज़्यादा नहीं आई, बस ये था कि 1996 में 10th किया था तब ह्यूमैनिटीज छोड़ दिया था बिल्कुल, और उसके बाद में 2016 में दोबारा जब ह्यूमैनिटीज़ को पकड़ा तब लगा कि शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। पर मैंने फिर प्रण किया कि ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता, तो बस ये सोचा कि कैसे मैं इस बड़े से पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में करके काट सकती हूँ। फिर मैंने टाइम बाउंड एक गोल बनाया और मैं उस गोल के साथ स्टिक रही, तो मुझे लगा कि परेशानियां ज्यादा नहीं आती सर, अगर आप ठान लें तो, क्योंकि सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच रखनी चाहिए। सभी की जिंदगी में छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, परिवार का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट था। बेटे ने मुझे ये कहा कि मम्मा होमवर्क खुद कर लूंगा, मैं आपको सारा सपोर्ट दूंगा। फैमिली में पेरेंट इन लॉज ने भी कहा कि तुम हमारे लिए बहू नहीं, हमारी बेटी हो, हम चाहते हैं कि तुम नाम रोशन करो, तुम जो करना चाहो करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर सहयोग देंगे। तो मुझे लगता है जब फैमिली का सपोर्ट हो, आपने ठान लिया हो, तो मुश्किल नहीं है सर। समाज के लिए कुछ करने की इच्छा सभी के मन में होती है। जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि इंसान की फाइव बेसिक लॉज होती हैं, फाइव बेसिक नीड्स होती हैं साइकोलॉजी, उसमें सबसे बड़ी जो नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। कमाने कुछ मतलब करियर शुरू करने कुछ सालों बाद में महसूस होता है कि धरती पे ऐसे आई और ऐसे चले जाएंगे, उससे अच्छा है कि कुछ करें। और कुछ करें की भावना ने मुझे प्रेरित किया कि चलो समाज के लिए कुछ करते हैं, और आर्य एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। यूपीएससी के लिए मैं ओवर एज हो गई थी, अदरवाइज मैं सर्टनली यूपीएससी का प्रयास भी करती। कितना पति का सहयोग मिला? प्रोफेसर हैं, क्या पढ़ाई में भी सहयोग मिला? सर, पढ़ाई के लिए तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस से हैं, पर हाँ एक मोटिवेशन, कोऑपरेशन, और जब भी ऐसा होता था कि भर्ती कोर्ट में जाने के लिए फेमस है राजस्थान में, जब भी मोरल डाउन होता था तो ही वॉज ऑलवेज लाइक तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ज़रूर होगा, बस तुम अपना प्रयास जारी रखो। और किसी भी प्रकार की, चाहे मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, चाहे मुझे गाइडेंस की ज़रूरत हो, उन्होंने हमेशा मेरे को ये कहा कि इट इज़ अवेलेबल, यू गो अहेड, कभी मुड़ के नहीं देखना है, रिसोर्स क्रंच महसूस नहीं करना है। तो ऑफ कोर्स ये मेरी रीढ़ की हड्डी है इस मामले में। एक सवाल ये है मैम, आरएएस अधिकारियों का आपने भी देखा होगा, और जिस तरीके से भी आरपीएससी के अंदर बड़ा एक घटनाक्रम हुआ, कितनी धड़कनें तेज थी कि इतना बड़ा प्रकरण कहीं इंटरव्यू निरस्त नहीं हो जाए। उस दिन इंटरव्यू भी चल रहे थे। सर, निश्चित तौर पर जब ऐसी कोई घटना और देश की, राज्य की इतनी बड़ी और इतनी प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उससे संबंधित आती है, तो सभी अभ्यर्थियों के मन में एक बार तो शंका होती है। लेकिन मैंने मेरे 2016 के प्रयास में देखा था, मुझे इंटरव्यू में 60 नंबर मिले थे। मैं बाहर निकली और मैंने सेल्फ इवेल्युएशन किया, मुझे लगता था कि मैं 55 से 60 के बीच डिजर्व करती हूँ, मुझे तो हायर साइड में मिला था। और जितने मेरे और साथ में सहपाठी थे उनसे भी मैंने पूछा, तो उनका भी जो अनुमान था उनको वैसे ही मार्क्स मिले। मुझे लगता है ये एक अनुसंधान का विषय है, चीज़ें निकल के सामने आएंगी, पर मुझे आरपीएससी की ट्रांसपेरेंसी पे इस मामले में कोई डाउट नहीं है। उन्होंने बहुत सारे नवाचार किए हैं, आप अपनी बुक्स नोटबुक्स को देख सकते हैं, आपको कितने सारे मार्क्स मिले हैं, पर क्वेश्चन कितने स्कोर मिला है, तो ट्रांसपेरेंसी के लेवल में आरपीएससी बहुत आगे बढ़ गई है। जब बीए एमसी किया इसने, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमटेक किया, नेट में थर्ड रैंक है पूरे ऑल ऑल इंडिया के अंदर, ठीक है, वहाँ पे भी इसने टॉप किया, तो मुझे पूरी उम्मीद थी। जब ये इसने 2005 में इंफोसिस ज्वाइन किया था, ठीक है, इसने काफ़ी 2010 तक ये इंडस्ट्री में वर्क किया,
फिर मुझे लगा ये अंडर यूटिलाइज है, ठीक है, कि इसका टैलेंट यहाँ नहीं, क्योंकि इसने कम जो स्किल्स हैं इसके अंदर वो क्यों ना एक सोसाइटी के लिए यूज़ करें। और आप देख रहे हो अभी कितना करप्शन वगैरह क्या चल सारी चीज़ें, तो क्यों ना आईटी स्किल्स को एक ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट करके उस करप्शन को हटाया जाए और जो गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएँ हैं उनको ग्राउंड लेवल पर लाया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है, आई प्राउड ऑफ हर, कि ये करेगी, ये सारे काम करेगी। हम एक सवाल और जानना चाहेंगे, अब तो आपका सिलेक्शन भी हो गया है दीपक, एक कहा जाता है कि पॉलिटिकल दबाव बहुत ज़्यादा अफसरों पर आ जाता है जब वो कुर्सी संभाल लेते हैं, तो मैम क्या पॉलिटिकल दबाव या फिर आपकी पूरी जो ईमानदारी से काम करेंगे या पॉलिटिकल दबाव अक्सर रहता है कि एसडीएम आरोप लगते रहते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उसके अधीन वो। सर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनको जनता ने चुना है और वो कोई भी काम कहते हैं तो जनता का काम कहते हैं। और ये बात सच है कि कोई चीज़ नियमों के अंदर आती है और यदि वो इस बात के लिए कहते हैं तो नियमानुसार कार्यवाही करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बेसिकली हम किसके लिए हैं, वी आर फॉर द पीपल। तो सर्टनली पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं और हमें वर्कआउट करना होता है कि हम कैसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएं, क्योंकि वो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं और जो ब्यूरोक्रेसी वो भी जनता के लिए। किसी ने सही कहा है कि